Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, today we are going to discuss introduction to the National ECC curriculum. A lot of significance has been given to the child care and education ecce uh, The thing is that several researchers have supported that early child education helps us in being a good and complete, holistic adult. तो देट्स वाई अ नंबर ऑफ रिसर्च है द वर्ल्ड ओवर सारी दुनिया के अंदर इसके ऊपर तहकीक की गई और यहाँ तक ये पता चला कि हमारी साठ फीसद जो डवेलपमेंट है वो आठ साल की उम्र तक मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद डिवेलपमेंट का जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है बचपन में आप बहुत जल्दी आप, आपका ब्रेन जो है वो डिवेलप करता है अब ऐसा है कि इसके अलावा जो बहुत सी रिसर्चेस और बहुत सी फ़िलासफ़ीज़ ऐसी हैं जो इस बात को रिकमेंड करती हैं कि अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया अर्ली चाइल्डहुड सिर्फ एजुकेशन अब नहीं रही बल्कि इसके साथ केयर कलफ़ ऐड कर दिया गया है तो हमें अपने बच्चे को अपने चाइल्ड को होलिस्टिकली डेवलप करना है ऐसी सूरत में हम बच्चों के लिए बहुत से ऐसे डलरेशन्स uh, आए हैं पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान भी उनका सिग्नेटरी है जिसमें खास तौर पर कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट यानी ये बच्चों के अमूमी हकूक़ के लिए एक कन्वेंशन है जिसके चार पॉइंट्स हैं सबसे पहला नॉन डिस्क्रिमिनेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि सिर्फ सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंडस के ऊपर जो हमारे स्टूडेंट्स अलग हैं सिर्फ वही नहीं बल्कि अपनी सलाहियतों की बिना पर अपनी हिस्ट्री की बिना पर और अपने जेंडर के बिना पर या अगर कोई जहनी जस्मानी तौर पर किसी न किसी किस्म की डेफिशेंसी है उसके बिना पर अगर बच्चों के जो सलाहियतें हैं वो कुछ कम हैं तो उनको पूरा करने की कोशिश की जाए और किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो रेस की डिस्क्रिमिनेशन हो क्लास की डिस्क्रिमिनेशन हो वो नहीं करनी है अगला है जी द चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट और जहाँ पे हम ये कहते थे कि हम एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में बच्चों को सारे बच्चों को एक जैसी तालीम देंगे उस पर भी एहत हुआ और जो हमारी साइको सोशल थेरीज़ हैं जो कॉग्निटिव हमारी थेरीज़ हैं बच्चों के लिए वो ये हमें कहते हैं कि हमें बच्चों के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सामने रखना है वो तो एक बात हो गई लेकिन छोटे बच्चे के इंटरेस्ट बड़े बच्चों की नस्बत बहुत मुख्तलफ हैं वो बहुत तेज़ी से लर्न करते हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन पावर होती है तो वहाँ उनको और ज़्यादा एक्टिविटीज़ देनी होती हैं और वो गाइडेड होनी चाहिए जैसा कि जितना बच्चा बड़ा होता जाता है गाइडेड इंस्ट्रक्शन नस्बता कम होती जाती है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं फिर ये कि बच्चा जो है वो सिर्फ़ एकेडमिकली उसको डेवलप ना किया जाए बल्कि मुकम्मल तौर पर उसको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हमने देनी है और फिर ये कि बच्चा जो अपने व्यूज़ रखता है जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है मसलन जैसे कॉमनेटिव थेरी हमें यह बताती है कि बच्चा जब दो साल का होता है या तीन साल का होता है तो सेल्फ सेंटर्ड होता है उस वक्त तो समझता है दुनिया की हर चीज़ जो है वो मेरी है और जो मेरी राय है वो दूसरे लोग क्यों नहीं समझ सकते मसलन बच्चा किसी के घर जाएगा वहाँ किसी टॉय को पकड़ लेगा और कहेगा यह मेरा है आप उसको लाख समझाते रहें कि ये जिसके घर मेहमान आए हैं उस बच्चे का टॉय है लेकिन वो ये नहीं समझ पाता ऐसी सूरत में अब ये है कि ये कहा जाता है कि आपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट और उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उनको तालीम देनी है और हमारी जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ये तमाम स्ट्रेटजीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स हैं और जहाँ जहाँ किंडरगार्टन या ई सी सी की तालीम दी जा रही है वहाँ पर इस इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है यानी जो हमारा बच्चों का फुल uh, राइट्स का कन्वेंशन है और इसके लिए एडिशनल बजट बहुत ज़रूरी है जाहिर है जब आप बच्चों पर इन्वेस्ट uh, करेंगे उनके लिए एकमेंट मुहैया करेंगे उनके लिए इस को तरबियत देंगे तो आपको एडिशनल बजट की ज़रूरत होगी तो जो जितनी हमारी गवर्नमेंटल uh, एजेंसीज हैं फेडरल हैं मिनिस्टर और प्रोविंशियल हैं उनको ज़रूरत इस बात की है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करें फिर बहुत सी ऐसे हमारे स्कूल हैं ऐसे हमारे इदारे हैं जहाँ पर बच्चों के लिए एडिशनल क्लासरूम्स मौजूद नहीं मतलब आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ दो कमरे होते हैं किसी भी ज़िले में चले जाएँ कहीं भी चले जाएँ तो वहाँ पर छोटे जो बच्चे हैं अभी हमारे जो आ, कच्ची के बच्चे हैं या प्री नर्सी जिनको जिनको ख़ासतौर पे हम एड्रेस कर रहे हैं उनके लिए रूम्स अलग मौजूद नहीं हैं तो गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि वो इन स्कूलों के अंदर जो नए नक्शे बने या नया प्लानिंग की जाए स्कूलों की वहाँ पर इनको नए कमरे जो हैं वो मुहैया किए जाएँ